सर, सबसे पहले आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मुरारी जी। तो चलिए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। वर्तमान जो राजनीति परिदृश्य की बात करें तो मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि रिसेशन की दौर वो ला चुके हैं, भारत में रिसेशन चल रहा है। क्या लगता है आपको, वास्तव में रिसेशन आ चुका है? रिसेशन तो शायद 2009 में भी आया था और इस टाइम पूरी दुनिया में भी आया था, और इस टाइम भी अभी जो लग रहा है कि पूरी दुनिया में इस टाइम में चाइना और आपका अमेरिका, रशिया सब मंदी के दौर में गुजर रहे हैं। तो इंडिया में भी यहाँ इकोनॉमी में थोड़ा किसी का ज़्यादा फर्क नहीं आया, पर जब हमारा बिजनेस यहाँ से ख़त्म बाहर के देशों में नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा चीज़ों का, तो उसमें थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा कि हमारी चीज़ें नहीं बिक रही हैं वहाँ। तो उस पर आर्थिक जो हमारी फैक्ट्री में यहाँ पे जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसमें असर पड़ेगा। यहाँ माल की खपत कम होगी तो वहाँ पे, तो यहाँ हमारा माल जो बनना है तो उसे कम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लोगों को बाहर करना पड़ेगा। बहुत सारे कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जो नोटबंदी किया, GST लाया, इस इन सब वजहों से यहाँ पे इस बार रिसेशन का दौर देखना पड़ रहा है हमारे इंडिया में। क्या कह रहे हैं आप? नोटबंदी से शायद इतना फर्क नहीं पड़ा और GST से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि GST से पैसा आया ही है जो गवर्नमेंट के खाते में नहीं आता था, तो उस पर तो गवर्नमेंट को फायदा हुआ, डेवलपमेंट के काम के लिए उन्होंने पैसा लगाया। तो आपने देखा हो कि जब GST लागू होने के बाद कितना उसका इनकम टैक्स जो आया उसका पहले की अपेक्षा उसका 4 गुना या 6 गुना बढ़ के आया था, तो उसका फायदा देश के लिए हुआ। तो सही चीज। अभी बेरोजगारी का दौर चल पड़ा है, ऑटो सेक्टर देख लें, आप फूड सेक्टर देख लें, जिस सेक्टर को देख लें, धीरे धीरे उसमें रिसेशन घुसता जा रहा है, कई लाखों लोगों की नौकरियां जा रही है। ऐसे में क्या मोदी सरकार लाखों तो नहीं है शायद पहुंचने जा रही है? आप 10,000 तो ऑटो सेक्टर से निकाल दिए गए हैं। वही तो कह रहा हूँ, 1-to-1 इस तरह से तो बढ़ रही है बात। वही तो कह रहा हूँ, जब पूरी दुनिया में मंदी आ रही है, आपके उत्पाद को जितना उत्पाद पहले लगता था वो कम होता जा रहा है, तो वहाँ पर मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, तो आपके उत्पादन कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठोगे? ये सब चीज़ों से मोदी सर कैसे निपटेंगे, रिसेशन के दौर को कैसे ख़त्म किया जाएगा? नहीं, ये तो जब पूरी दुनिया से जो मंदी थोड़ी कम होगी तो उसके बाद ही हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता ना सर। एकदम से आपको कम से कम 3-4-6 महीने और लगेंगे इन चीज़ों को होने में। तो क्या बेरोजगारी की दर और ऐसी ही बढ़ती चली जाएगी? बेरोजगारी किस हिसाब की बेरोजगारी रहेगी? लोग रोजगार छूट रहे हैं, वैसे पहले से नौकरियां नहीं थी, नौकरियां कम होते जा रहे हैं, लोगों निकाले जा रहे हैं अलग अलग सेक्टरों से। नहीं, उसका एक कारण और भी तो है। क्या? बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी तो इस पे तो कभी किसी ने ये तो आप नहीं कह सकते। चाइना में बढ़ती आबादी है, लेकिन तो चाइना चाइना इंडिया से कितना बड़ा है? चाइना से बहुत बड़ा है, जनसंख्या के अनुपात में नंबर 1 पे है। भारत के हिसाब से वो 3 गुना बड़ा है। बड़ा है, ठीक है। तो हमारी जनसंख्या और उनकी जनसंख्या बराबर मानते हो क्या आप? नहीं, तो फिर भी हम उनकी उतनी बड़ी जनसंख्या, फिर भी उन्होंने सब कुछ मैनेज किया हुआ है, उनके यहाँ इतना रिसेशन, इतनी बेरोजगारी नहीं है। उन्होंने जनसंख्या पे कमी की ना, एक बच्चा पिछले 10 साल हो गए, एक बच्चे की रोक लगा दी, पर इंडिया में ऐसा हुआ क्या? यहाँ तो एक एक परिवार के 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब है कि हम लोग जल्द से फैक्ट्री जारी है, फैक्ट्री जा रही है, लोग नौकरियाँ छोड़ते जा रही। कहने का मतलब आपका है कि मोदी सरकार की जो नीति और नियत है वो सही दिशा की ओर जा रही है? दिशा सही है, पर जब आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आ रही तो उसमें थोड़ा तो सबको झेलना पड़ेगा जी। मुरारी जी का स्पष्ट कहना है कि मोदी जी अपने हिसाब से सही नीति की दिशा से चल रहे हैं आगे, और ये मंदी का जो दौर केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, उसका असर सभी को झेलना है, वैसे ही भारत झेलना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।